डीटीडीसी कुरियर का फ्रेंचाइजी आपने अपने इलाके में, आपने अपने शहर में, गांव में भी जरूर कहीं ना कहीं डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी देखा होगा, क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी कंपनी है अभी के डेट में एंड काफी पुरानी भी है। लगभग ये बिजनेस में 20 से 30 साल पुरानी ये कंपनी है। अभी के डेट में ये करोड़ों अरबों रुपया की ये कंपनी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सैकड़ों इसके फ्रेंचाइजी हैं एंड 80% से ज्यादा फ्रेंचाइजी अभी के डेट में प्रॉफिटेबल है, काफी ज्यादा प्रॉफिट वो लोग अर्न कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि 20% नुकसान में है, ऐसा नहीं होता। 20% अर्न कर रहे हैं डिपेंड करता है, ये कंपनी का डेटा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि डीटीडीसी से रिलेटेड आप फ्रेंचाइजी लेकर कैसे एक जबरदस्त आप अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी 3 टाइप के कैटेगरी में अवेलेबल है। सबसे पहला इसमें हो गया मॉडल फ्रेंचाइजी, दूसरा इसमें हो गया एंटरप्राइज फ्रेंचाइजी, इंटरप्राइज फ्रेंचाइजी एंड सबसे लास्ट इसमें हो गया डिलीवरी फ्रेंचाइजी। ये 3 कैटेगरी में आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मॉडल फ्रेंचाइजी। मॉडल फ्रेंचाइजी में कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आ रही होगी। बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 1.5 लाख रुपया। सेकेंड इसमें आता है कि एरिया कहाँ ले, कौन से एरिया में काम करें। देखिए आप एरिया गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो लोकेशन है ये बहुत ही मायने रखता है। डीटीडीसी के अनुसार आपका लोकेशन ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, ऐसे जगह पे होना चाहिए जहां पे जो भी पब्लिक आ रही है जा रही है उसको दिखे कि अच्छा यहाँ पे कुरियर है, यानी कि विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। बात की जाए अगर स्पेस की तो ज्यादा नहीं, 10x10 के कमरे से भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत जगह ऐसे डीटीडीसी के कुरियर की फ्रेंचाइजी देखे हैं जो कि 10x10 भी मैंने ज्यादा ही बता दिया, वो 5x6 या 8 में भी काम कर रहे हैं और लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि करना क्या है, पैकेट का कलेक्शन करना है, डिलीवरी करवानी है, दैट्स द सिंपल थिंग इसमें काम करना। नेक्स्ट इसमें आता है स्टाफ कितना चाहिए। 4 स्टाफ इसमें चाहिए होगा। गाड़ी चाहिए होगा कि नहीं, तो गाड़ी चाहिए होगा। बिना गाड़ी के आप डिलीवरी कहां से करवा पाएंगे, तो वो आपको कौन देगी, कंपनी देगी, नहीं, वो आपको खुद ही अरेंजमेंट करना होगा, वो आपका अपना पर्सनल कॉस्टिंग जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है कि आपको कितना अर्निंग होगा। कुरियर से रिलेटेड अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, खास करके डीटीडीसी, तो ऐसा इसके कंपनी के वेबसाइट पर है कि आप कम से कम 1.5 लाख रुपए पर मंथ का आप अर्निंग कर सकते हैं एंड सच में इतना अर्निंग आती है, तब तो इतने सारे लोगों ने लिया हुआ है, ऐसे तो किसी ने नहीं लिया। एंड इतना अर्निंग कैसे आएगा, ये सारा अर्निंग का डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितना ज्यादा से ज्यादा पैकेट की बुकिंग होती है एंड ये सारा चीज के लिए आपको मार्केटिंग करना होगा, कई बार आपको अपने एंड से भी करना होगा, जिसके लिए सबसे बेहतर मार्केटिंग का तरीका है जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड होना, इंडिया मार्ट पर आपको रजिस्टर्ड होना एंड लोकल मार्केटिंग में आपको ऑफिस टू ऑफिस आपको विजिट करके अपने कार्ड देने होंगे कि हम लोग इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक मार्केटिंग का जो ये टैक्टिस है, ये तीनों ही कैटेगरी में आपको अप्लाई करना होगा। फ्रेंचाइजी में आपने जब, तो पहला आपने मॉडल फ्रेंचाइजी में जान लिया कि कितना इसमें प्रॉफिट आना है। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरप्राइज लेवल फ्रेंचाइजी। इंटरप्राइज लेवल फ्रेंचाइजी में भी आपको स्पेस ज्यादा नहीं, 100 से 200 स्क्वायर फीट का आपको रिक्वायरमेंट होगा। वहीं अगर बात की जाए एम्प्लॉय कितने चाहिए, तो 3 एम्प्लॉय इसमें चाहिए होंगे। एरिया कितना है, एरिया क्या रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। गाड़ी खुद से चाहिए, बिल्कुल आपको अपने गाड़ी रखने होंगे। अर्निंग कितना होगा, अर्निंग लगभग 75,000 रुपये पर मंथ के आसपास में इसमें अर्निंग जाएगा। तो बहुत ज्यादा इसमें एरिया भी नहीं लगना है, स्पेस भी कम है, इन्वेस्टमेंट भी आपका कम है, 1 लाख रुपए में आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट इसमें आता है डिलीवरी फ्रेंचाइजी, यानी कि उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पैकेट का डिलीवरी कराना है, बुकिंग नहीं कराना है, सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी कराना है। गाड़ी अपनी चाहिए, जी हाँ। स्पेस कितना चाहिए, इतना ही जितना मैंने आपको बता दिया। सिर्फ पहले वाला फ्रेंचाइजी में स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, जितना मैंने बताया उससे ज्यादा रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, कम है तभी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है लास्ट वाले फ्रेंचाइजी में, तो इसमें कम से कम 2 स्टाफ आपको चाहिए होगा। आप पर मंथ कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो 50,000 रुपया पर मंथ आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, डीटीडीसी कुरियर का फ्रेंचाइजी अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं तो इसमें सबसे जो मेजर खर्च आता है वो है ब्रांडिंग। डीटीडीसी अपने ब्रांडिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस कंपनी है, पूरे अच्छे से ब्रांडिंग वो कराएगी, आपका पूरा इंटीरियर करवाएगा, चारों तरफ से ढंग का इंटीरियर होता है उसमें, क्योंकि फील होनी चाहिए कि जिस भी ऑफिस में जा रहे हैं सेम टू सेम हो। तो आपका मेजर खर्चा यही है, इस खर्चे को आपको बचाना है, ये चीज को आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये खर्चे
अनावश्यक हो जाते हैं अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में कर रहे हैं। काफी समझदारी से इसमें काम करना है। अब बात आती है कि डीटीडीसी फ्रेंचाइजी लेने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपको आना होगा कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम है DTDC.in/partner-with-us। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपको कुछ नहीं सर्च करने की जरूरत है, या आप गूगल पे सर्च कीजिएगा डीटीडीसी फ्रेंचाइजी एंड वहां पर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा पार्टनर विथ अस डीटीडीसी। यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर बेसिक कुछ आपको डिटेल देना है। देखिए ये सारे डिटेल्स दिए हैं इन्होंने, कौन से फ्रेंचाइजी आपको लेना, मॉडल फ्रेंचाइजी, इंटरप्राइज फ्रेंचाइजी, डिलीवरी फ्रेंचाइजी, जो मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपने कुछ बेसिक डिटेल्स देने हैं, कौन से स्टेट से हैं वो डालना है, इंडिया से ही होगा ना तो इंडिया ऑलरेडी लिखा होगा, किस टाइप का फ्रेंचाइजी आपको लेना है, तीनों में से जो भी सिलेक्ट करना है आपको कर लेना है एंड यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। कंपनी की तरफ से आपको कॉल बैक आ जाएगा कुछ ही दिनों में, बाद बाकी ये सारी चीजें ड्यू डिलीजेंस कर लेंगे, सारा चीज चेक कर लेंगे कि आप कितना एलिजिबल है, सारी चीजें देख लेंगे एंड तब आपको फ्रेंचाइजी दे दिया जाएगा। काफी सिंपल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि आप किसी भी टाइप के बिजनेस करने के लिए अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप भारत सरकार का एक स्कीम है मुद्रा लोन, आप वहां से आप इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा लोन के तहत आपको 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का आपका लोन दिया जाता है। वहीं इस लोन को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो सबसे पहले इसमें हो गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ, बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लोन नहीं मिलता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप myprojectreport.com वेबसाइट पर जाइए, वहां से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ईमेल पर भी आप चाहे तो कॉन्टैक्ट करके आप ले सकते हैं। दूसरा हो गया नॉर्मल, जैसे बैंक में स्टेटमेंट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उस वेबसाइट पर बता दी जाएंगी कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। सो आज की इस वीडियो में आपने जाना डीटीडीसी कुरियर के बारे में कि डीटीडीसी कुरियर का फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या इसका प्रॉफिट रहेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।